Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and a very happy Republic Day to all of you. एक Republic Day है 26 जनवरी जैसा कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन तो इस Republic Day पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक Republic Day motivation. एक छोटी सी चीज एक छोटा सा किस्सा एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जिसके थ्रू मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जो कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आएगी आपके लाइफ में. इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से. गणतंत्र दिवस जो होता है जहां पे कि हम अपना संविधान लिखा गया था, हमारा संविधान इसी दिन लिखा गया था, कई सारे परेड्स, आप लोग कई सारे रेजोल्यूशंस एंड अलग अलग चीजें कर रहे होंगे अपने लाइफ में. सो इस दिन एक्चुअली अलग अलग तरीके से चीजें हुई थी. जो मेजर काम जो हुआ था वो हुआ था संविधान का. तो आज आप अपना संविधान क्यों नहीं लिखते, आज आप अपना संविधान क्यों नहीं लिखते, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं. मैं छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूं, स्टोरी के माध्यम से मैं आपके पास एक मैसेज पहुंचाऊंगा, होप कि वो मैसेज आपके पास तक पहुंचे. स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि एक पुलिस हुआ करता था और एक गुंडा. पुलिस का एक लड़का था और एक उस गुंडे का एक लड़का था. ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स उन दोनों के बच्चे जो थे, वो जो गुंडा था वो पुलिस वाले का दोस्त था और वो अपने बच्चे को पुलिस वाले के पास छोड़ के जाता है. और वो जो पुलिस वाला होता है दोनों बच्चे की परवरिश एक साथ कर रहा होता है, दोनों की अपब्रिंगिंग साथ में ले आता है. लेकिन बीच में वो गुंडा वापस आता है और गलती से ये कहता है कि जो पुलिस का बेटा होता है उसको अपना बेटा समझ के वो ले जाता है और उसको अपने साथ रख लेता है. अब जो पुलिस का बेटा था वो गुंडे के पास पहुंच गया और जो गुंडे का बेटा था वो पुलिस के पास पहुंच गया. लेकिन दोनों की अपब्रिंगिंग जो थी, अपब्रिंगिंग एक गुंडे के बेटे की पुलिस वाले के पास हो रही थी और पुलिस वाले बेटे की गुंडे के साथ हो रही थी. तो जो कैरेक्टर डेवलप हुआ गुंडे के बेटे का पुलिस वाले के साथ, वो अच्छा कैरेक्टर पुलिस जैसा या उस तरीके का कैरेक्टर डेवलप हुआ. लेकिन जो पुलिस का बेटा था जो कि गुंडे के पास रह रहा था, उसका कैरेक्टर भी गुंडे की तरह ही डेवलप हुआ, उसका माइंडसेट भी गुंडे की तरह डेवलप हुआ. आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही सिमिलर सी कहानी है जो कि एक परवरिश मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की. जी हाँ, बिल्कुल ये वही कहानी है परवरिश मूवी की, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की. वही कहानी बता रहा हूँ, उससे एक बहुत छोटी सी सीख मिलती है हमें. क्या मिलता है कि हमारे माइंड जो हमारा पास्ट होता है ना, व्हाट इज द, कहते हैं कि इस पूरे के पूरे स्टोरी का मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन क्या है. तो पास्ट हमारा डिटरमाइन नहीं करता, हमारा जीन हमारे टैलेंट को डिटरमाइन नहीं करता कि हमारा जीन क्या था, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारी फैमिली में कौन कितना पढ़ा लिखा था, कौन किस तरीके के बैकग्राउंड से था, रिच था पुअर था, वो हमारे टैलेंट को मैटर नहीं करता. जैसे कि आपने देखा होगा उस मूवी, अगर जिसने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसके लिए मैंने स्टोरी बता दी थी. एग्जैक्टली हमारे पास सबसे सुपर पावर ये है कि हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं. We can change our brain according to our need. जैसे कि बचपन में ABCD पढ़ रहे थे, वैसे वैसे हम पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते चले गए, आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चलेगी, आगे अपने ब्रेन को हम लर्न कराते चले गए. एग्जैक्टली इन दिस सिनेरियो हम अपने ब्रेन को लर्न कराना नहीं चाहते. हमें जो लगता था कि हमारा पास्ट ये था, हम उसी को मान के बैठ जाते हैं. बिल्कुल नहीं करना आपको, आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज योर पास्ट. कैसे चेंज कर सकते हैं, अब सवाल उठता है. ठीक है, समझ में तो आ गया कि पास्ट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाउ, कैसे, वो मैं बताने वाला हूं. आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना. किसी भी चीज में अगर आपको चेंज चाहिए ना, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि चेंज क्या चाहिए. मतलब जो गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करो. जो भी, जिस भी फील्ड में हो आप, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे भी हो आप, बस आपको करना क्या है कि जो मिस्टेक्स आपने प्रीवियस अटेम्प्ट किया है, वो प्रीवियस अटेम्प्ट से अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो. सिंपली आप इसको समझ सकते हो कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है भैया. सो प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा. एग्जैक्टली फाइंड द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों बार बार वही रिजल्ट आ रहा है. सो करना क्या है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. और प्रॉब्लम को जिस दिन आइडेंटिफाई आप कर लोगे, डेफिनेटली उसको सॉल्व भी कर लोगे. क्योंकि अगर आपने किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सॉल्यूशन भी निकल जाने वाला है. सबसे बड़ा जो इशू होता है वो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते.
तो पहली चीज कि पास्ट को छोड़ के अपने संविधान में ये चेंज करो कि पास्ट को लेके नहीं बैठना। जो आपका ब्रेन है, जिसको संविधान बोलते हैं हम अपनी बॉडी का, उस संविधान को ये बताओ यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करने वाला। आप अपने प्रेजेंट को चेंज करोगे और अपने प्रेजेंट को चेंज करके अपने फ्यूचर को भी चेंज करोगे, और जब फ्यूचर को चेंज करोगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रेजेंट को चेंज करोगे तो फ्यूचर तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। सो यही आपका मूल मंत्र है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव दिस। दिस इज व्हाट द संविधान, इसको लेके आओ अपने रियल लाइफ में, अपने प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा A4 शीट लिया, उस प्रॉब्लम को लिखा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करने लग गए। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन कंटिन्यूअसली उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करो। अगर ना सॉल्यूशन निकला तो आप कमेंट में बता सकते हो कि नहीं निकला, सिर्फ 30 डेज। ठीक है, सो उसके लिए फिर मेरे पास अलग सॉल्यूशन हो जाएगा कि क्यों नहीं निकला, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ CSIR के लिए, जहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं CSIR के लिए। और स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है आपको एक पावर पैक टेस्ट सीरीज, जो कि गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल के लिए है। आप लोग smartlearningacademy.in वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, मेरा रेफरल कोड है VIREN, 10% डिस्काउंट पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ ग्रेट ईयर एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।